राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब अपना होने के कगार पर है और इसमें सहायक बनेगी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत हर साल झारखंड के 10 आदिवासी छात्र विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और इसी कड़ी में राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए हुआ है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित छात्र छात्राओं का कहना है कि आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद सरकार का सराहनीय कदम है। इससे आदिवासी समाज के अन्य छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्रिया मुर्मू है और मैं रांची की निवासी हूँ और मेरा चयन क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम के लिए हुआ है लवप्रो यूनिवर्सिटी यूके में। और मुझे ये बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ये पहले बैच छात्र छात्राएं हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके अभिभावक हमारे बीच उपस्थित हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि ये एक अपना ये ड्रीम पूरा होने जैसा है और ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो ये इनिशिएटिव लिया है झारखंड गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और अभी फ्यूचर में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी ये काफ़ी ये इंस्पायरिंग रहेगा और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सभी को कि वो अपना गोल्स अकम्प्लिश कर सके, विदेश जा करके अपना पढ़ाई पूरा करने का सपना फुलफिल कर सके और इवन झारखंड राज्य के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके विभिन्न क्षेत्रों में। क्या आपने कभी सोचा था कि विदेशों में जाकर आप पढ़ाई कर सकेंगी? ये मेरा सपना रहा है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है हमें, ये बहुत ही बड़ा हेल्प है। खुद से ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मेरा नाम हरखिले सिंह मुंडा है और मैं सोरलुंगा तमाड़ जिले का निवासी हूँ। मेरा चयन लिंग्विस्टिक के लिए हुआ है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और कल्चर से डील करता है, तो मैं वापस आके झारखंड के आदिवासी भाषाएं जो विलुप्त होने के कगार पे, जैसे कि असुर, बिरहोर इत्यादि, इन पे काम करना चाहता हूँ और इनको पुनर्जीवित करना चाहता हूँ कि ये जो बोलचाल की भाषा बन जाए, ना कि बस कुछ चुनिंदा समुदाय और समूह के लोग इसको बोले। और साथ ही साथ मैं मुंडा समाज से हूँ, मुंडा जनजाति का एक सदस्य हूँ, तो मैं मुंडारी भाषा और उसकी लिपि के लिए आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए और दिशा में काम करना चाहता हूँ। वहीं इन छात्रों के अभिभावक भी सरकार की इस योजना से काफ़ी खुश हैं। अजितेश मुर्मू लंदन के लिए रवाना हो चुका है 20 तारीख रात को, चूँकि 27 तारीख से उसके क्लासेस शुरू हो रहे हैं। उसने SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली से आर्किटेक्ट की पढ़ाई की और अब MArch मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गया है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी है और बीमारी की वजह से थोड़ा सा डर भी है। सरकार की योजना के हाँ, सरकार की योजना काबिले तारीफ। मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मतलब ऐसी कोई योजना आएगी और मैं अपने बच्चे को भेज सकूंगा। मतलब यूं समझिए मेरी तो लॉटरी लग गई। और ठीक है, आज मेरा बच्चा मतलब लंदन में है और अभी क्वारंटाइन में है, 27 तारीख से उसके क्लासेस शुरू होंगे और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा, मास्टर डिग्री मास्टर MArch करके आएगा और फिर झारखंड में अच्छा काम करेगा। राज्य सरकार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इंग्लैंड एवं आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की ट्यूशन फीस सहित उनके रहने और अन्य खर्च वहन करेगी। इस कड़ी में पहली बार 22 छात्रों में से 6 छात्रों का चयन स्कॉलरशिप के लिए किया गया है, जो सितंबर महीने में उच्च शिक्षा हासिल करने इंग्लैंड की 5 विभिन्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब पूरा होने वाला है। और मुझे लगता है कि इस स्कॉलरशिप से जो बच्चे बाहर जाएंगे वहां पर भी झारखंड का एक अलग पहचान बने। हर राज्यों ने अपनी अपनी अलग अलग पहचान अपने राज्यों का अलग अलग देशों में बना रखा है,
हमारे भी परिकल्पना झारखंड का भी एक अलग पहचान देश दुनिया में हो, इसको लेकर अभी बच्चे आगे जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद संभवतः सरकार भी अब आगे जाएगी और हम अपने राज्य की जो हमारे संसाधन है, राज्य की जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो हमारी आर्थिक रिसोर्सेस हैं, इनको विश्व के पटल पर रखेंगे। बता दें कि 23 सितंबर को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित किया। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।